हमारी मौजूदगी इस वक्त जमशेदपुर से सटे कपाली सरायकेला खरसावा जिले के कपाली टीओपी चौक के समीप है और यहां पर तमाम जो युवा आपको नौजवान नजर आ रहे हैं ये मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला दहन करने वाले हैं। ये भीड़ आप देख रहे हैं ये मुफ्ती सलमान अजहरी के सभी समर्थक हैं और उनको चाहने वाले हैं और मुफ्ती साहब के चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग अब गुस्से में हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात की सरकार ने उन पर मुकदमा दायर करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है, दो दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया और इस रिमांड के बाद अब हिंदुस्तान के कई शहरों में कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में लोग अब सड़कों पर निकलने लगे हैं और इस चीज़ को आप जमशेदपुर में भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे और महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में कसीर तादाद में जो नौजवान हैं जो उनके चाहने वाले हैं क्योंकि नौजवानों के दिलों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जगह बनाई है और कई जगहों पर जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी अपने बयान के जरिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं और उनके बयान को लोग युवा जो है खासकर काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इन कुछ चंद सालों में वो हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ प्रदर्शन और किस तरह से ये लोग पुतला दहन कर रहे हैं गुजरात के सीएम का। Yeah, yeah.
تم کتنے ادھری ڈالو گے ہر گھر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی او پی چوک میں کس طرح سے جو یوا ہے مفتی سلمان اظہری کی تصویر بھی ان کے ہاتھوں میں ہے اور ان کی تصویر لے کر یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں گجرات کے جو مکھیہ منتری ہیں ان کا پتلا دہن کر کے پتلا جلا کر یہاں پر پردرشن کیا جا رہا ہے اور مفتی صاحب کی تصویر جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ کافی زیادہ آکروشت ہیں لوگ کیونکہ ایک آستھا ہے اور مفتی اور مولانا جو قاری ہوتے ہیں وہ اسلام دھرم میں کافی معنی رکھے جاتے ہیں اور کافی معنی ہیں ان کے اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اسلامک ریتی رواج اور اسلامی قانون کو شریعت قانون کو یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے اور مفتی صاحب کی پاپولیرٹی ہندوستان بھر میں رہی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا